हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ स्तोता। मैं स्तोता आ गई हूँ आज एक नया एक्सरसाइज के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इसमें क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू है, गिवन है। अब हमें क्या बोलना है, व्हेदर द इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम यस लिखेंगे इसमें, और सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो हम नो लिखेंगे। तो अभी बात है, सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता कैसे चलेगा? कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। क्या है, जब इक्वेशन कैसे है क्या है मैं बताई थी, तब क्या इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को इक्वल होना चाहिए, ए मैंने बोली थी। ठीक है, वही इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम फॉलो करके एक क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, देखो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या है 3। तो एक्स प्लस 3 ए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ए 0 क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड है, क्लियर कर देती हूं। तो क्या है, हमें फर्स्ट लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू, देखो x का वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिखो, 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो रहा है 6। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, लेकिन हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड इक्वल टू 6 मिला, a नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अब कुछ नो लिखेंगे। तो चलो लिख लेते हैं नो, ओके ए हो गया। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से क्या होगा, x प्लस 3। अब देखो x इक्वल टू 0 है, तो लिखो 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो रहा है 3। ए भी देखो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड 0, तो ए भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नो, ओके हो गया। अब देखो हमारा ये था 1, ये था 2, अब देखो 3, 3 में क्या है, 3 में देखो x प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड में वही सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू x का वैल्यू क्या है, देखो -3, तो -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 क्या होता है 0, वो पहले वीडियो में मैं डाली हूँ, अब कंफ्यूजन है तो वो वीडियो देख लेना, और पता है तो कोई बात नहीं है, -3 प्लस 3 क्या होता है 0 होता है। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है, तो ये ग्रीन सिग्नल है, तो ये लिख लो, हो गया। अब देखो 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज कर देती हूँ, कैसे करना है पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो x माइनस 7, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x माइनस 7। अब देखो x का वैल्यू क्या है 7, तो लिखो 7 माइनस 7 इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ। अब देखो 1 इक्वल टू क्या है 1 है, ओके, तो ये तो 0 है 1 नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, फिर से रेड सिग्नल सेटिस्फाइड नहीं है, तो लिख लो नो। नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू 1, x माइनस 7 ये है लेफ्ट हैंड साइड, x का वैल्यू क्या है देखो 8, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, देखो राइट हैंड साइड में 1 है, 1 है, मतलब ये क्या हो रहा है इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, इसका मतलब फिर से ग्रीन सिग्नल, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है देखो 5x, तो 5x, अब देखो x इक्वल टू क्या है 0, तो 5 इंटू 0, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो क्या होता है, हमेशा 0 होता है 0, ओके। अब देखो ये तो राइट हैंड साइड नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 25, तो ये क्या हो रहा है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, नो। नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है 5x, फिर से
5x, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5x, इक्वल टू देखो x इक्वल टू 5 है, तो 5 × 5 क्या हो रहा है 25, देखो राइट हैंड साइड में 25 है, मतलब क्या राइट हैंड साइड, इसका मतलब फिर से सेटिस्फाइड है, ग्रीन सिग्नल है। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 5x लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5x, अब x का वैल्यू क्या है देखो -5 है, तो लिखो 5 × -5, अब देखो 5 जा तो 25 हो रहा है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ये में दूसरे चैप्टर में एक करके आई हूँ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 25 देखो इसमें क्या है प्लस 25 है, ये है माइनस 25, तो नॉट इक्वल टू 25, इसका मतलब क्या है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, नो। नेक्स्ट क्या है देखो 9 क्या है m/3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू m/3, अब m का वैल्यू क्या है देखो -6, तो -6/3, तो देखो 6/3 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन a माइनस आगे आएगा, तो देखो आंसर क्या है हमारा +2 है, लेकिन ये तो -2 हो रहा है, तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके, तो फिर से क्या हो रहा है नो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है m/3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू m/3, अब देखो m इक्वल टू क्या है 0 है, तो 0 को जो भी मर्जी नंबर से डिवाइड करो आंसर क्या होता है 0 होता है, ठीक है, अब देखो 0, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है 2 है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो फिर से नो। अब देखो 10 हो गया, 11, 11 में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, ऊपर ही कर लेते हैं, चलो 11 में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है m/3, m का वैल्यू क्या है 6, तो 6/2 इक्वल टू 3, सॉरी देखो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, तो m/3 है, तो हमें 3 लिखना पड़ेगा, 6/3 इक्वल टू 2, देखो राइट हैंड साइड में 2 है, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ए हो गया हमारा सेटिस्फाइड, तो यस दिस इज सेटिस्फाइड। तो इसके साथ क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ये वीडियो लेंथी हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, बाय।